हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एंटरटेनर में। आज बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की या इंटरनल रेस्पिरेशन के। इससे पहले हमने आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बता रखा है, 3-4 वीडियो उसके आ चुके हैं, ठीक है, और 2 बेसिक के आ चुके हैं, टोटल 5 वीडियो हो चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो लास्ट फेज है हमारा रेस्पिरेशन का, ठीक है। अभी तक आपने क्या पढ़ा रेस्पिरेशन में वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि जो आपका फूड मटेरियल था वो फूड मटेरियल कहाँ पहुंच रहा था, आपके सेल में कैसे पहुंच रहा था। फूड मटेरियल आपका पहले होता है डाइजेस्ट, और डाइजेस्ट होने के बाद में कहाँ पहुंच जाएगा, सेल के अंदर। अब सेल के अंदर उसका क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। वो कैसे होगा, ऑक्सीजन जो होगी वो आप इनहेल के थ्रू बॉडी के अंदर लेंगे, और फिर उसके बाद में क्या होगा, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ब्रीदिंग कहेंगे या पल्मोनरी वेंटिलेशन कहेंगे। उसके बाद में फिर वो जो ऑक्सीजन है वो पूरे बॉडी में आपकी ट्रेवल करेगी और एक एक सेल तक पहुंच जाएगी। इट मींस क्या, डाइजेशन के बाद आपका फूड मटेरियल सेल के अंदर पहुंच गया था कि नहीं पहुंच गया था। तो जब डाइजेशन के बाद आपका फूड मटेरियल सेल के अंदर पहुंच गया और उसके बाद में रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस के थ्रू ऑक्सीजन भी इस सेल के अंदर पहुंच गया, समझ में आ गया। तो सेल के अंदर क्या क्या पहुंचा, फूड मटेरियल हमारा ये किस फॉर्म में है, न्यूट्रिएंट के फॉर्म में है, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन आपके ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंच गई, कहां, सेल के अंदर। अब क्या होगा, अब आपका होगा इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन, समझ में आया। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, यही ऑक्सीजन यानी फूड मटेरियल जो है हमारा उसकी क्या होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है बर्निंग, क्या होती है बर्निंग, और बर्निंग के बाद में आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इस प्रोसेस को आप आराम से समझिए, सबसे पहले आप इसको डिफाइन कर लीजिए कि सेलुलर रेस्पिरेशन हम किसे कहते हैं। तो रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल, रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल, ठीक है, वेयर यानी कि वहां क्या होगा, रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल, रेस्पिरेशन प्रोसेस सेल के अंदर, वेयर फूड मटेरियल, फूड गेट बर्न एंड रिलीज एनर्जी। यानी फूड मटेरियल क्या होगा, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर बर्निंग होगी इसकी, और फिर आप एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब ये कैसे होगा देख लेते हैं। जो इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले फूड मटेरियल था, फूड मटेरियल आपका क्या था, ग्लूकोज था, ठीक है। ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज सबसे पहले सेल के, जैसे ये आपकी क्या है, सेल की आउटर बाउंड्री है, क्या है, आउटर बाउंड्री है, सेल की आउटर कवरिंग कह लेते हैं इसको, आउटर कवरिंग, या फिर इसको क्या कहते हैं, कहते हैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे, ठीक है। कल परसों तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का भी वीडियो आ जाएगा, ठीक है, तो देखते रहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आउटर कवरिंग, ठीक। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है आपका साइटोप्लाज्मियस। सेल के बारे में हम थोड़ा बहुत आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि सेल के अंदर कहां ये चीजें हो रही है। तो साइटोप्लाज्म कहां है, साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड है जो कि सेल के अंदर भरा हुआ है। तो सबसे पहले जो आपका फूड मटेरियल है यानी ग्लूकोज है वो कहां पहुंचेगा, वो इसी साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा। साइटोप्लाज्म में क्या पहुंचेगा, आपका फूड मटेरियल, और फिर फूड मटेरियल आपका क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, C6H12O6, इसको ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ठीक है। ये क्या है, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, क्या है, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब इसका क्या होगा, ये कहां पे हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर है, कहां पे है, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये ग्लूकोज की क्या होगी, लिसिस होगी, लिसिस मतलब ये टूटेगा, समझ में आया, और इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिसिस, क्लियर। ग्लूकोज की लिसिस हुई, लिसिस का मतलब होता है टूटना या ब्रेक डाउन होना, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिसिस ऑफ द या लाइसिस ऑफ द ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, ठीक। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में आपका क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का ये फर्स्ट पार्ट है। हाई स्कूल की बात करें तो इससे ज्यादा बहुत आपको बताया नहीं गया है,
आगे तो ये चार पार्ट में होता है, लेकिन तो इससे ज़्यादा हाई स्कूल में नहीं है। तो थोड़ा सा बहुत हम आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि फूड मटेरियल जो है वो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंच गया। सेल के साइटोप्लाज्म में फूड मटेरियल क्या था? 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इसे क्यों कहते हैं? कुछ इस तरीके से होता है, C, ठीक, 3, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ग्लूकोज है, इसकी क्या हुई? लाइसिस हुई, और इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब यहां क्या होगा, ये टूटेगा किसमें? पाइरुवेट में। किसमें टूटेगा? पाइरुवेट में। ये पाइरुवेट क्या है? ये है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। यानी कि ये जो आपका पाइरुवेट है वो क्या है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ, ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, ब्रेक डाउन हुआ किसमें? 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यानी पाइरुवेट में। ये प्रोसेस कहां हो रही थी? सेल के साइटोप्लाज्म में हो रही थी। इतनी चीज समझ में आ गई। अब जो है ये प्रोसेस 3 जगह होती है, इसको मैं रब कर देता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो। ये प्रोसेस कहां हो रही थी? ये प्रोसेस हो रही थी 3 जगहों पर। आगे कहां होगी? 3 जगहों पे होगी, सॉरी। जब साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ पाइरुवेट में, तो आगे 3 जगहों पे ये काम होता है। पहला तो होता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कहां होगा? यीस्ट में। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा ये कहां होगा? यीस्ट में, जिसको क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। दूसरा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन लैक होता है, मतलब होता नहीं है, जो कि हमारे कहां पे होता है? मसल सेल में होता है। कहां होता है? मसल सेल्स में। और तीसरा है इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या? इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है आपका, यही सेलुलर रेस्पिरेशन कहां हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। अब पहली चीज तो ग्लूकोज टूट गया पाइरुवेट में, साइटोप्लाज्म में। तो अब जो है, अब ये जो पाइरुवेट है ये कहां जाएगा? ये सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर क्या है इसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ इस तरीके से होता है, रफ डायग्राम है, आप इसको समझिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट को क्या कहते हैं? तो सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट को क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब साइटोप्लाज्म में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पाइरुवेट में हो गया, तो अब क्या हुआ? अब यही पाइरुवेट कहां पहुंचेगा? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि हमारे सेल के अंदर ही प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये पाइरुवेट पहुंचेगा, तो फिर इसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा। आगे और ब्रेकडाउन जब होगा, तो ये किसमें टूट जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड हम नाक के थ्रू निकाल देते हैं, ठीक है, बाहर एनवायरमेंट में। वाटर जो है आपका, वाटर आपका क्या होता है? आपके स्वेट के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है, और जो एनर्जी होती है वही आप अलग अलग कामों में खर्च करते हैं। ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी? एटीपी के फॉर्म में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, एक सेलुलर रेस्पिरेशन से एक टाइम में कितनी एनर्जी बनती है? तो कितनी बनेगी? 38 ATP। ATP क्या है? इट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। जैसे हम पैसे को माने, किसमें करेंसी होती है उसमें नापते हैं ना, अलग अलग कंट्रीज की करेंसी अलग है, वैसे ही एनर्जी की करेंसी क्या है? ATP। इसको किसमें मेजर करते हैं? एनर्जी को, ATP में। तो एक सेलुलर रेस्पिरेशन जो आपका होगा, एक सेलुलर रेस्पिरेशन से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 38 ATP एनर्जी रिलीज होगी। ये कहां हो रहा है? ये इनसाइड द सेल हो रहा है। पहले आपका ग्लूकोज था, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में गया, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पाइरुवेट में टूट गया, और आगे फिर उसका क्या हुआ? सेल के अंदर और फर्दर ब्रेकडाउन हुआ, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में आप इसका ब्रेकडाउन। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया एनर्जी, और ये क्या हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाई प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। ये ओवरऑल आपका क्या हो गया? सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक। तो अब टोटल आपका जो हमने 5-6 वीडियो आपको बताए, उसमें सारा रेस्पिरेशन प्रोसेस खत्म हो गया। यानी हाई स्कूल का जो हमने अभी तक डाइजेशन पढ़ा दिया आपको, पूरा 6 वीडियो है, आप पूरा देखिए।
डाइजेशन के बाद आपका रेस्पिरेशन भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा पार्ट आपका आएगा एक्सक्रीशन। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, हाई स्कूल और नाइन्थ सीबीएसई बोर्ड के और आईसीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फुल कंटेंट आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर और इंटर में हैं, तो उनके कंटेंट भी फुल आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। कौन सा चैनल है, दिख रहा है आपको? बायोलॉजी एडुटेनर। ठीक है, मायसेल्फ सुंदरम पांडे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी करना हो मतलब शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।